स्वागत है दोस्तों आपके और हमारे यूट्यूब चैनल डीके साइबर जोन में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे डाउनलोडिंग करते हैं या उसे फाइल में कैसे सेव करते हैं, इसी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्टेटस में चले जाना है। स्टेटस में आने के बाद आपको जो भी स्टेटस को आपको डाउनलोडिंग करना है उसको आपको पूरा देख लेना है। जैसे कि मैंने पूरा स्टेटस को देख लिया, ऐसे ही आपको पूरा स्टेटस को देख लेना है। स्टेटस को देख लेने के बाद आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको माई फाइल के फोल्डर में जाना है। सभी के मोबाइल में माई फोल्डर का या माई फाइल का ऑप्शन होता है, उस फाइल को आपको खोलना है। जैसे मैं देख सकते हैं मेरे में माई फाइल का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थ्री डॉट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पहले नंबर पे देख सकते हैं कि डिस्प्ले हिडन फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑफ है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें एंड्रॉयड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड्रॉयड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसमें व्हाट्सएप को खोज लेना है। व्हाट्सएप को खोज लेने के बाद व्हाट्सएप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको व्हाट्सएप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसमें आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हिडन फाइल में स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आप अपना स्टेटस देखे होंगे इसमें आपका वो स्टोरेज हो गया होगा। तो जैसे कि मैंने जो स्टेटस दिखाया था यहाँ पे स्टेटस जो है आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। बैक आना है। बैक आने के बाद इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और मूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको किसी भी फोल्डर में फाइल में आपको मूव कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहीं पे मूव हेयर कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा मूव सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब आपको देखने के लिए आपको गैलरी ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एल्बम पर क्लिक करना है और वीडियोस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो है गैलरी में आ गया है। तो देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सअप स्टेटस फाइल में सेव हो गया, गैलरी में आ गया। ऐसे आप अपना भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।